जी राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है और अभी मैं नहाकर आई हूँ और मैंने बांध दिया साड़ी। तो बताइएगा जरूर कैसी लग रही है मेरी साड़ी। तो मेरा आज मन करा कि साड़ी बांध लेते हैं। तो चलिए, अभी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। नारा कायरू नहा लिया मम्मी, अब लगा दे इसके शैम्पू। लोशन अच्छा लोशन शैम्पू शैम्पू को लगाऊंगी नुगो दीदी। शैम्पू सिर में लगाया जा रहा है नुगो दीदी। मैंने शैम्पू लगा के नहाया तो मैंने मान ली उसको। मुँह बना बना कर कायू देखिए, हमारा कायू नहा लिया है और मेरी मम्मी भी नहा ली है और मैं भी नहा ली हूँ। दमकारा दमका रहे थे, ममका रहे तेल भी लेने, बस बहुत दमका रहे। लाओ इतना तेल, तेल डालने हाई। छाई कौन गिरवाओ का हाई? मैं सही लाओ बेटे ठाके, इसमें ड्रेसिंग में हो गई इसका। दीप लाओ साईं की, साईं के रंग हम। तो अभी मेरे दोनों बच्चे नहा चुके थे और अभी मैंने गैस पर कढ़ाई रख लिया और उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तो मुझे बनानी है सोयाबीन की सब्जी। तो अभी मेरा तेल गर्म हो जाएगा। तो देखिए मैंने सोयाबीन भिगो कर रखी थी, पर मैं वैसे तो भिगा कर ही बनाती हूँ, पर मेरे आज जी मैं कि इन्हें उबाल लेती हूँ। देखते हैं उबाल कर कैसी सब्जी बनती है सोयाबीन की। तो अभी मेरी सोयाबीन उबल चुकी है और मैं इन्हें उतार लूँगी, एक एक करके सारे निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इन्हें तेल में तलूँगी। तो देखिए मैं जब भी कभी बनाती हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी कुछ इसी तरह बनाती हूँ, पहले सोयाबीन को भिगो लेती हूँ। पर आज मैंने उबाल लिया है उन्हें। तो अभी यहाँ फिर से मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और अभी मैं इसमें एक एक करके सारी सोयाबीन डाल दूँगी और फिर सब्ज़ी को छौंक लगाऊँगी। तो मैंने इनका पानी निचोड़ लिया था। यहीं पर मेरी अपनी बेटी खड़ी हुई थी तो मैं उसे बोल रही थी कि बेटा पीछे हो जाओ, कुकर गर्म हो रहा है, कभी आप जल जाओ। तो देखिए अभी मेरा तेल गर्म हो जाएगा और उसमें मैं डाल दूँगी जीरा। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं सारे सूखे मसाले, मेरी सोयाबीन भी भुन चुकी थी और आलू भी काट लिए थे मैंने। तो अभी मैं इसमें जीरा डालने वाली थी, मुझसे पहले अपनी ने डाल दिया इधर को। मैं मना करती हूँ फिर भी गैस के पास आकर बैठ जाती है बस उस। तो मेरी सोयाबीन भुन चुकी थी और यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है कुकर। तो अभी इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, तो अभी मेरा जीरा भुन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, धनिया। तो अभी मैंने इसमें एक चम्मच, छोटी चम्मच धनिया डाल दिया है। अभी दो छोटी चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। ये सब डालने के बाद मैं इसमें सोयाबीन डाल दूँगी। तो देखिए मैं प्याज का छौंक नहीं लगा रही हूँ, प्याज ख़त्म हो रही है पहली बात तो, और दूसरी बात अभी कोई सब्ज़ी वाला नहीं आ रहा है गाँव में कोरोना की वजह से। तो प्याज ले लेंगे कोई सब्ज़ी वाला आएगा, प्याज फिलहाल ख़त्म हो रही थी। तो अभी देखिए मेरा छौंक हो चुका था और इसमें मैंने छोड़ दिया सोयाबीन। मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो मैंने इसमें सोयाबीन भी डाल दी थी, तो अभी इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी मिर्च, नमक और अभी से अच्छे से चला दिया है। और इसमें मैं अभी आलू ऐड कर दूंगी, तो जिन्हें मैं धो कर ले आई थी पहले ही। तो अभी मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं तो मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी मैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और मैंने आटा भी बना लिया है। तो अभी चलिए रोटी सेक लेते हैं।
तो अभी मेरी रोटी सिक चुकी थी और खाने की प्लेट लग चुकी थी, तो आइए आप लोग खा लीजिए खाना। तो अभी उसके बाद मैं आ गई थी छत पर और यहाँ पर बैठे थे राठी जी और वो फोन में लगे हुए थे, तो मैं उनके साथ मस्ती कर रही थी कि आप इस तरह बैठे हुए क्या कर रहे हो, तो गाने सुन रहे थे मुझे देख देख कर ड्रामेबाजी कर रहे थे, मैं भी हंस रही थी उन्हें देख देख कर इस तरह कर रहे थे। अभी देखिए चलिए मैं आज फिर से आपको काम करने ज़्यादा दिखा देती हूँ, तो देखिए बस कोई कोई आदमी सड़क पर दिखाई दे रहा है, वरना जो मतलब खेत कार वाले आदमी हैं जिनका खेत का काम है वही दिख रहे हैं, खेत में जा रहे हैं आ रहे हैं, शाम का समय हो रहा है तो वरना शाम पड़ा है बिल्कुल काम का माहौल। तो देखिए हमारी छत से पूरा गांव दूर तक दिखाई देता है, काफ़ी मन लगता है। इधर भी काफ़ी बसावट है, मतलब पंछी भी उड़ रहे हैं, शाम का समय है, चिड़ियाओं की चहल पहल हो रही है। तो मैं छत पर आई थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, काफ़ी दूर दूर तक का दिखता है, मौसम थोड़ा सा ख़राब सा बना हुआ है। तो अभी उसके बाद मैं यहाँ छत पर झाड़ू लगा लूँगी, थोड़ा सा कूड़ा और आधा जब आई गए हैं तो थोड़ा साफ भी कर देते हैं, कुत्तों की कड़त हो रही थी तो जो पहले पात के रखे हुए हैं उनकी कड़त हो रही थी, अब तो नहीं पात रहे हैं गुस्से, कति कताक मम्मी पात देती है गोबर, बस अब नहीं बना तो रहे नहीं है वो सब। तो अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी जो गुस्से बीच में रखे हैं इन साइड में लगा दूँगी। ये देखो हमारे रट्टी जी खाने सुन रहे हैं, कान में लीड लगा के और पशुओं को पानी पिला देंगे मस्त एकदम। पीछे की साइड पे तो भाव लग रखा जेम, ये कौन सा स्टाइल है लीड मारने का। अच्छा जी हल्के पकड़ के ले रही थोड़ी, हेलो नेहा, हेलो मस्ती, कहाँ रहो? सब ठीक है दे। आजा। ए दे ये सब ठीक है जा। कहाँ रहो? आजा। तो अभी कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि अपना घर दिखाइए, तो मैंने सोचा चलो आज हम हाउस टू दिखा देते हैं आपको, अपना घर शुरू कर देते हैं। तो देखिए है तो वैसा का वैसा ही, कुछ चेंज नहीं हुआ है, पर कुछ लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उनकी वजह से मैं आप लोगों को एक बार फिर से अपना घर दिखा रही हूँ। तो देखिए वो हमारा मेन गेट था, अभी चलते हैं अंदर की साइड बरामदे में। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ, तो अभी हम बरामदे में आ चुके हैं। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको अपने वाला रूम, तो इसमें पड़ा हुआ है बेड, शीशा, टीवी रखा हुआ है, संदूक से भी था हमारा बेडरूम, और यह है दूसरे वाला रूम जिसमें हमारे जाली फ्रिज वगैरह रखे हुए हैं, दो रूम है हमारे और एक स्टोर रूम है। कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं
कि तुम्हारे यहाँ मंदिर नहीं है, अगर पूजा कहाँ रखते हो? तो मम्मी जो है नवरात्रों का व्रती है, तो उन्होंने स्टोर रूम में ही पूजा रख रखी है, पूजा घर बना कर रखा है। अभी देखिए यहीं से जाता है, बिल्कुल स्टोर के पास से ही जाता है ऊपर जाने का जीना, और ये काफ़ी बड़ा बगड़ है हमारा। तो देखिए यहाँ पर गन्ने रखे हुए हैं, कुछ गन्ने बच गए थे, फसल बोकर आए थे एक की, तो ट्रॉली में रखे हुए हैं। और अभी चलते हैं पीछे की साइड, तो ये है हमारा भूस वाला कोठा, तो जिसमें हमने भूस डाल रखा है अपने पशुओं के लिए। बिल्कुल इसी की बराबर में है हमारा डंगर बांधने का कोठा, तो हम शाम में अंदर की साइड बांध देते हैं और बाहर से खड़ूंचे पर घास खा लेते हैं। और यहीं बगड़ में गड़ी है यहाँ बाहर की साइड, तो मैंने सोचा चलो अभी आपको बाहर बगड़ का एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो देखिए शाम का समय होता जा रहा है और मौसम भी ख़राब बना हुआ है, कुट्टी भी काटती है, और अभी बस शाम का खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो देखिए किस तरह का मौसम है, तो शाम में इतना बड़ा बगड़ है, 3-4 लाइट लगा भी रखी है, फिर भी अंधेरा लगता है। देखिए ज़्यादातर वीडियो में आप लोगों को अब तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता होगा, वैसे ज़्यादातर अंधेरा दिखता है क्योंकि शाम में मैं जो कम वीडियो इसलिए बनाती हूँ, इतने बड़े बगड़ में कितने बल्ब लगाएंगे, खुला है तो चांदना कम उठता है। तो देखिए अभी मैं बाहर की साइड का इधर की साइड की वीडियो बना रही थी। सुबह में इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। तो मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ, हेलो कोमल जी, हेलो अंकित नरवाल, सॉरी मोनी नरवाल, और पूनम शर्मा जी, और एक है अंकित मलिक। कैसे हो आप सब? तो कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी अपना घर दिखाइए एक बार, कैसा है आपका घर। तो आज आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं आप लोगों को फिर से अपना घर दिखा रही हूँ, हाउस टूर करा रही हूँ। हाउस टूर टू तो दूसरी बार करा रही हूँ मैं अपने घर का हाउस टूर आप लोगों को, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। देखिए जैसा भी है आप लोगों के सामने है मेरा घर, मेरी परिस्थिति जैसी भी है वो भी आप लोगों के सामने है। कुछ लोग कुछ भी कहकर निकल जाते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, पर जो अच्छे लोग हैं वो मुझे बोलते हैं कि दीदी इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो फिर भी कभी कभार थोड़ी बहुत आ जाती है मन में बातें मेरे, पर जब कोई मुझे मेरी फैमिली मुझे अच्छी कमेंट करती है, इतना सारा प्यार देती है, तो मैं सब भूल जाती हूँ। तो एक कोमल जी हैं, वो मुझसे गुस्सा हो रहे थे कि मेरा नाम लेना पिछली वीडियो में। देखिए कोमल जी हो जाता है ऐसा कभी कभार, आपने जब बोला तो मैं वीडियो एंड कर चुकी थी, पर आप फिर भी, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोगों की बातें मानती हूँ, देखिए ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। और सोफे को लेकर कमेंट आ रहे हैं, तो देखिए अभी फ़िलहाल मैंने एक सोफ़ा सेट कर दिया है रूम में, देखिए अभी जो बड़े वाला है उसे चेंज कर कर मैं लगा दूँगी या फिर दूसरे वाले रूम में डाल लूँगी, गैस बाहर निकालूँगी, आपकी बात पर ध्यान दूँगी मैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो दिन में मैं सोफे हटाने की कोशिश करूँगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही इसलिए मैं नहीं हटा रही हूँ, और उन्हें भी वहाँ से हटा दूँगी। ऐसा नहीं आप लोग ये मत सोचना कि नेक्स्ट वीडियो में कि हटाए नहीं, हमारी बात पर गौर नहीं दिया, तो मैं उन्हें भी हटा दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और विशेषकर अपने बच्चे और बड़े बुजुर्गों को, तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपना विशेषकर ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी, और हो सके तो सरकार के नियमों का पालन करें। तो हम भी घर ही हैं, घर से बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, बच्चों को भी कहीं बाहर नहीं भेज रहे हैं। तो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में, बस जाते हैं तो चाचा जी के घर तक, तब तक के लिए बाय बाय।